कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है। नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जीत किसी के गले नहीं उतर रही है। बीजेपी की इस जीत के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रही है। जिन सीटों पर गड़बड़ियां हो रही हैं, ऐसी 20 सीटें चिन्हित की गई हैं, जिसके बाद कल आधी रात कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुँचती है और चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाती है। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो और खास करके 20 सीटों पर EBM सील किए जाएँ। आपको बता दें, ये मांग प्रवक्ता पवन खेड़ा के साथ पहुंची प्रतिनिधि मंडल ने किया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि ऐसी 20 सीटें हैं जहां BJP ने EBM के साथ खेला करवाया है चुनाव आयोग के साथ मिलकर के। ऐसे सीटों पे EBM सील किया जाए और उनको फिर से रिकाउंटिंग की जाए। आरोप यह है कि बैटरी जो है वो नए EBM को ऐड ऑन किया गया है, और जिन EBM को ऐड किया गया था उन EBM में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान वोटिंग गिरी, यानी उसमें ज़्यादातर BJP के समर्थन में वोट गिरा है, और वो पूरी की पूरी जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से BJP ने खेला किया है उन EBM के जरिए, क्योंकि उनकी बैटरी 99% थी। और इन तमाम ऐसे टेक्निकल खामियां, ऐसे 20 सीटें बताया है कांग्रेस ने, इन पर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पहुंची और विवादित EBM को सील करने की मांग करते हुए जांच की मांग की है। सुनिए सबसे पहले क्या कुछ कहना है पवन खेड़ा का। आज KC वेणुगोपाल जी, अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुडा जी, जयराम रमेश जी, उदय भान जी और सिंघवी साहब भी थे, वो ऑनलाइन जुड़े। इलेक्शन कमीशन को हमने अवगत कराया। करीब 20 शिकायतें जो हमारे पास आई हैं, उनमें से 7 लिखित शिकायतें जो अभी आई हैं, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से, जिसमें बैटरीज का खास तौर पे जो 99% बैटरीज दिखा रहे थी काउंटिंग के दिन, और बाकी मशीनें जो सामान्य थी वो 60-70% दिखा रही थी, उससे हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया और चुनाव आयोग ने हमें ये आश्वासन दिया है, क्योंकि माकन जी ने और सिंघवी साहब ने एक मांग रखी कि वो तमाम मशीनें जिनके बारे में आज जिक्र किया है, शिकायत की है, उन मशीनों को सील कर दिया जाए, सिक्योर कर दिया जाए जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती। हमने चुनाव आयोग को ये भी कहा कि अगले 48 घंटे में हम बाकी शिकायतें जो हमारी एकत्रित हो रही हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान जी इकट्ठी कर रहे हैं, वो तमाम शिकायतें भी हम अगले 48 घंटे में उपलब्ध करा देंगे चुनाव आयोग को, और उसके बाद वो सारी मशीनें सिक्योर कर दी जानी चाहिए ताकि उससे कोई छेड़ाछाड़ी न हो सके जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। और कोई सवाल? चुनाव आयोग ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस पूरे मामले को देखेंगे और उसका जवाब हमें लिखित में हर बिंदु का, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का अपने रिटर्निंग ऑफिसर से सलाह करके हमें वो जवाब देंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर भी लिखा था कांग्रेस प्रेसिडेंट को, जिसमें उन्होंने कहा है कि 20 विधानसभाओं से शिकायतें आई हैं, 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं, और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, होडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला, जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स थी, उसका भी हमने इन्हें फिर से स्मरण कराया। तो सीधे तौर पर इनका वही बैटरी वाला मसला कांग्रेस पार्टी ने फिर से उठाया और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी कि ऐसे कुछ EBM एड ऑन करवाए हैं चुनाव आयोग से जिनमें BJP के पक्ष में ही जो है वोटिंग गिरी है। ऐसे 20 सीटें हैं जिनमें 6-7 तो क्लियर कट है, और कुछ सीटों पर जो है वो कहा गया कि 2-3 हज़ार से हराया गया जानबूझकर, अगर रिकाउंटिंग होती है तो वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतेगी। तो चुनाव आयोग के साथ छोटी छोटी गड़बियों को लेकर के विद डॉक्यूमेंट कांग्रेस ने आपत्ति जताई है, और इसे आश्वासन भी दिया है चुनाव आयोग ने कि हम इसका निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। इस पूरे मामले में जो है वो कांग्रेस पार्टी के एक और नेता का क्या कुछ कहना है, आप सुन लीजिए क्या कुछ कहना है इनका। सीधे तौर पर गंभीर आरोप है कि किस तरह से EBM हैक
की गई है। मुख्यमंत्री ने खुद ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं हर तरह से हर किस्म की हो चुकी हैं और हम सरकार बनाएंगे, तो ये पूरा एक संदेह का सारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक संदेह हो रहा है। और जिस तरह से 99% बैटरी हो नहीं सकती जो उसमें हुई है, वो एक बहुत बड़ा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये EVM इसमें है खुई है। जो 99%, 95%, 90 से जो अबव है उनमें सबसे ज़्यादा उनमें ही BJP का सहारा हुआ है। जहाँ 60-70% के वहाँ पे ये नहीं जीत रहे, तो ये एक पूरा संदेह का कारण बना हुआ है कि ये कारण क्या है और ये 99% कैसे बैटरी चार्ज हो गई। जब पूरा दिन बैटरी इस्तेमाल होती है, कोई भी आप मोबाइल भी रखें तो पूरा दिन आप रखोगे तो वो निश्चित तौर से वो डाउन होगी, 99% नहीं हो सकती किसी भी सूरत में। ये पूरा संदेह का कारण बना हुआ है। उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन से कहा है, इलेक्शन कमीशन की ये साख का भी सवाल है, इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या कारण है और हमें पूरे जनता के समक्ष इस को बात को रखें कि इसका क्या कारण है। तो BJP कांग्रेस पार्टी लगातार गंभीर आरोप लगा रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री का वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे उस वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भाजपा के सैनी साहब कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, चिंता मत करिए, वोट भाजपा के ही निकलेंगे। उस बयान का भी जिक्र करते हुए सीधे तौर पर कांग्रेस ने EVM उनके वीडियो को भी जो है वो बाकायदा चुनाव आयोग को दिए गए हैं कि कैसे खेला करने की कोशिश की गई है। दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में राकेश टिकैत का कहना है कि एक तरफ किसान भी नाराज, पहलवान भी नाराज, बेरोजगार भी नाराज, नौजवान भी नाराज, हर कोई नाराज होने के बावजूद भी भाजपा अगर इस तरीके से चुनाव जीत लेती है और हर बार की तरह जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट से ज़्यादा वोटों से जीतती है तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल तो खड़े ही होंगे। हरियाणा चुनाव जीत के बाद एक तरीके से हर व्यक्ति के मन में EVM को लेकर शंकाएं बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपको क्या लग रहा है अगर आप हरियाणा से हैं? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जाटों ने कांग्रेस के साथ गद्दारी कर दी है, तो कुछ लोगों ने कहना है कि जाटों ने कुछ नहीं किया, EVM का खेला है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दीजिए इस तरीके की हार और जीत को लेकर आप कैसे देखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।